ये लोग सड़क पर घूमते थे, दो आदमी हमेशा एक साथ। तो मेरी माँ ने कहा, तुम इन्हें अपना हाथ दिखाओ। उस आदमी ने मेरी ओर देखा और एक व्यंग भरी मुस्कान दी और सबके बारे में कुछ बताने लगा, और आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेरे साथ हुआ। मैं 17 साल का था और पूरा का पूरा नास्तिक था। किसी मंदिर में घुसना या पूजा करना, यहां तक कि इतना करना भी नहीं, बस ऐसा रहता था। नहीं, चाहे जो भी हो, घर में भी चाहे कोई त्योहार हो, मेरे माता पिता कोई पूजा कर रहे हों, मैं ऐसे ही खड़ा रहता था। कभी भी ऐसे नहीं, संभव ही नहीं था। आप सब मुझसे कहीं बेहतर हैं उस मामले में, कुछ जाने बिना भी आप आसानी से ऐसे कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं, सिर्फ ऐसे। तो मैं इस स्थिति में था और मेरी मां को चिंता थी कि मेरी बड़ी बहन की शादी कब होगी। तो दो आदमी गली में घूमते हुए आए, उत्तरी कर्नाटक से। ये लोग सड़कों पर घूमते थे, बाह के नीचे एक बैग दबाए हुए। दो आदमी ये हमेशा साथ में चलते थे। तो वो चले जा रहे थे, मेरी मां ने कहा, उन्हें बुलाओ, मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारी बहन की शादी कब होगी। मैंने कहा, क्या ये आदमी आपको बताएंगे? वो बोली, नहीं, तुम बुलाओ। तो मैंने आवाज दी, और आमतौर पर भारत में महिलाएं इन लोगों को अपना हाथ नहीं दिखाती, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं जब किसी ने किसी महिला को मंत्रमुग्ध कर दिया और चला गया। शाम होते होते ये महिला घर के सारे गहने जेवर बांधकर उसके पीछे चली गई, बिना समझे कि वो क्या कर रही है। वो बस चलती जाएगी जैसे कि वो पागल हो गई हो, और फिर वो सब कुछ छीन लेगा और 2-3 दिन में वो वापस आएगी सब कुछ गंवा कर। तो मेरी मां बोली कि तुम अपना हाथ दिखाओ। मैं तो ऐसे किए हुए था, अपना हाथ कैसे दिखाता। मेरी बहन को शादी करनी है और मैं अपना हाथ दिखाऊं? बकवास है ये, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। घर पर और कोई भी नहीं है, अपना हाथ दिखाओ। मैंने सोचा, चलो ठीक है, मैं इस आदमी के आज बखियां उधेड़ दूंगा, और अपना हाथ दिखाया। उसने मेरी तरफ देखा एक और व्यंग भरी मुस्कान दी। मैं बस उसको घूरता रहा। मैं अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाना चाहता, अगर वो कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश भी करे तो। मैंने कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या है। और उस आदमी ने परिवार के बारे में बताना शुरू किया, छोटी छोटी चीजें जो कल परसों ही हुई थीं, कोई उनके बारे में नहीं जान सकता। वो ये तक बता सकता था कि आज आपने नाश्ते में क्या खाया, मेरा मतलब इतनी बारीकी से, परिवार में सबके बारे में। और मैं ये सब देख रहा हूं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करना चाहता, ये सच है, पर ठीक है, कुछ तो मुझे पसंद नहीं आ रहा। फिर उसने कई बातें बताई। मेरी माँ पूछती गई, ये सब तो ठीक है, पर मेरी बेटी की शादी कब होगी? वो बोला, उस लड़की को अभी छोड़िए, आपकी दूसरी बेटी की शादी अगले मई तक हो जाएगी, अगले साल 26 मई से पहले उसकी शादी हो जाएगी। मेरी माँ बोली, अरे बेवकूफ, तुम दूसरी बेटी की बात क्यों कर रहे हो, मेरी पहली बेटी की शादी कब होगी? वो बोला, और कुछ और बताने लगा, और फिर वो हर किसी के बारे में बताने लगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बड़ी बहन ने कभी शादी नहीं की, वो एक सन्यासिन बन गई, और मेरी दूसरी बहन को शादी का कोई आइडिया भी नहीं था, वो तब यूनिवर्सिटी में थी, और 24 मई को उसकी शादी हो गई, ठीक है, अगले साल ही। और फिर मेरी मां ने मेरे बारे में पूछना शुरू किया, ये लड़का किसी चीज को नहीं मानता, ये भगवान को नहीं मानता, ये मंदिर नहीं आता, क्या होगा इस लड़के का। और तब उसने कहा, 38 साल की उम्र में ये एक महान मंदिर का निर्माण करेगा। मैंने कहा, बकवास है ये, मैं मंदिर बनाऊंगा।
मैं मंदिर बनाऊंगा। मैं मंदिर में घुसता तक नहीं, मैं कहां से मंदिर बनाऊंगा। मेरी मां बोली, देखो ये लड़का कैसा है, क्या होगा इसका, क्या करेगा ये। वो बोला, दूसरे लोग भेड़ चराएंगे, ये इंसानों को चराएगा। मैं थोड़ा सा एक तरह से परेशान हो गया, क्योंकि बंदा वो चीजें जानता है जो मैं नहीं जानता। और फिर जब मेरे भीतर चीजें खुली तो मैं खुद को पीटना चाहता था, क्योंकि ये इतना स्वाभाविक था, ये हर समय मेरे आसपास मौजूद था और मैं देख नहीं पाया। लेकिन ये आदमी जो सड़कों पर घूमता है 10 रुपए के लिए, 10 रुपए लगभग 20 सेंट्स के बराबर होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए फीस है। और वो भी वो मांगेगा नहीं, अगर आप उसे 10 रुपए दे दें तो वो खुशी खुशी चला जाएगा। जो आदमी सुबह से शाम तक सड़कों पर घूमता है 10 रुपए के लिए, उस आदमी ने ये देख लिया और मैं नहीं देख पाया। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, हे भगवान जरा देखिए इसे, इस तरह की बेहोशी है, समझ रहे हैं। दिस इज द फैक्ट विद द होल ह्यूमैनिटी। पूरी मानवता की यही सच्चाई है, इस तरह की बेहोशी है कि जो ठीक यहीं मौजूद है आप नहीं देख पाते। कोई व्यक्ति जो हर दिन 10 रुपए के लिए सड़क घूम रहा है वो देख सकता है। तो जीवन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, ये वैसा है जैसा ये है। आपका प्रयास इसे उसी रूप में देखने का होना चाहिए, ना कि निष्कर्ष पर पहुंचते रहना कि ये सही है ये गलत है, ऐसा क्यों नहीं है वैसा क्यों नहीं है। बस इसे देखिए जैसा ये है। जब आप इसे वैसा देखते हैं जैसा ये है, केवल तभी आप द्वार खोल पाएंगे जीवन के और उसके परे के।